वैसे तो नेताओं के वादे और दावे किसी सपने से कम नहीं होते, चुनावी सीजन में इनकी झड़ी लग जाती है, लेकिन वादे सिर्फ वोटर के नहीं टूटते, सपने उनके भी टूटते हैं जो नेताजी का झंडा और डंडा लेकर चलते हैं। रायपुर के भाटा गांव से ये रिपोर्ट देखिए जरा। वादे पे उनके मारा गया। चार के लिए गए थे, कितना पैसा देंगे बोले थे आप? अभी नहीं बोल दिए, कुछ पैसा नहीं। लेबर ये सीधा साधा, तीन तीन चार चार सौ रुपए एक एक इंसान के पीछे आते थे, तो यहाँ सौ सौ डेढ़ डेढ़ सौ रुपए में ले जाते थे, सौ रुपए देते थे। तो वचन पत्र, गारंटी पत्र, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, ये ऐलान वो ऐलान, ये देंगे वो देंगे, और भी ना जाने कैसे कैसे सपने राजनीति के मैदान में बेचे जाते हैं। कोई पार्टी धनवान बनाने पर आमादा, कोई सपनों के आसमान पर ले जाने पर आमादा। संकल्प के पन्नों पर छपे मायालोक में डूबता उतराता मतदाता जानता है जाने कब सपना टूट जाए। पहले ऐलान, फिर इनकार, फिर गैर जिम्मेदार, सियासत का यह सलीका नया तो नहीं, लेकिन जिन्होंने गलियों की खाक छानी, नारे लगाए, झंडे उठाए, सपनों की दुकान को घर घर ले गए, अरमान की बुनियाद पर नेताजी का मायालोक खड़ा किया, उनके साथ ऐसा सलूक। जिन्होंने अपना तिहार छोड़ा, 50 से 60 महिलाएं जाते थे यहाँ से, लेकिन यहाँ जितने भी कार्य करते हैं सब वो तीन तीन चार चार सौ रुपए एक एक इंसान के पीछे आते थे, तो यहाँ सौ सौ डेढ़ डेढ़ सौ रुपए में ले जाते थे, सौ रुपए देते थे। तो पैसा नहीं दिए तो ये पैसा कहाँ गया जब कार्यकर्ता आ रहे थे? और आप कार्य करते वाले लोग जानेंगे, जिसके हाथ में पैसा उतरा है, जिन लोग कार्य किए हैं, जिन लोग पैसा दबाए हैं, उन लोग जाए। जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा, कॉलोनी के रहते थे करके, सब यही के कार्यकर्ता आते थे, यही के सब लोग बैंक बना के ले जाते थे करके, हम लोग को बोलते थे 200 250 500 तक मिलता है, तो 500 तक भी हम लोग 500 तक मिले थे, तो लास्ट में क्या होता, 100 रुपए 150 रुपए किसी को मिल जाता था, किसी को नहीं मिलता था पैसा। जिन्होंने खूब लगाया नारा, हम बोलने गए वहाँ पैसा नहीं दिए, अभी एक दो दिन रुक जाओ, बोले 9 बजे रात के जाए, घूम रहे रात में भी, दिन में भी घूम रहे, उसके पैसा ही नहीं मिल रहा हमारे को। आखिर उन्हें क्यों नकारा? बोले थे कि आपका जो मांग रहेगा हम लोग पूरा करेंगे भाई, जो परेशानी है आपका उसको हम लोग हल करेंगे, ऐसे करके घर नहीं है जिसके पास उसको मकान दिलाएंगे, जिसका टंकी फूट गया उसका टंकी को ठीक करवाएंगे, सब चीज के लिए बोले थे उन लोग। तो आखिरकार अपना घर बार परिवार सबसे बड़ा तिहार छोड़कर नेताओं के सपनों की दुनिया, मतदाता तक पहुंचाने वाले कार्यकर्ताओं का ही सपना छन्न से तोड़ दिया गया। हो सकता है पैसे आज नहीं तो कल मिल जाएं, लेकिन रोज कुआं खोदकर प्यास बुझाने वालों के साथ ये सलूक ही अमानवीय है। रायपुर से सटे भाटा गांव में करीब करीब 150 महिलाओं ने अलग अलग पार्टियों के नारे लगाए, झंडे उठाए, उनकी ही मजदूरी पार्टियों ने मार ली। महिलाओं का आरोप है कि चुनाव में प्रचार प्रसार के नाम पर तय की गई दिहाड़ी उन्हें नहीं मिली। सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की कि इस बीच सबसे बड़ा त्योहार भी आया लेकिन मजदूरी नहीं रुकी। कहां तो महिलाएं पूरे छत्तीसगढ़ का विधान और भाग्य तय करती हैं, कहां तो ये महिलाएं हैं जो अपनी मजदूरी को तरस रही हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर के। छत्तीसगढ़ ने अपना जनादेश ईवीएम में कैद कर दिया है, जो 3 दिसंबर को सबके सामने आएगा, लेकिन उसके पहले कई दिग्गजों के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। जमीनी हाल यह है कि मंत्री मुसीबत में हैं और दिग्गज दिक्कत में। जनता ने सुना दिया है जनादेश, फैसला सिर्फ सुनना सुनाना बाकी है। इस बीच कई दिग्गजों की धड़कनें बढ़ गई हैं और सांसें थमी थमी सी हैं। पहले जो दिग्गज खिलखिलाते थे, बात बेबात मुस्कुराते थे, जाने क्या हुआ है कि गुमसुम और खोए खोए से भी नजर आते हैं। दरअसल मैदानी इलाकों और राजनीतिक पंडितों से जो बात निकलकर सामने आ रही है, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज दिक्कत में हैं और करीब 5 मंत्री मुसीबत में बताए जा रहे हैं। सियासी गलियारों से आ रही हवाओं के मुताबिक खाद्य मंत्री सीतापुर से अमरजीत भगत की फाइट एकदम हो गई है टाइट। आर्मी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए रामकुमार टोप्पो मंत्री अमरजीत भगत को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसके बाद पूरे सूबे की सबसे अहम सीट है बेमेतरा की साजा, क्योंकि मंत्री रविंद्र चौबे के सामने है ईश्वर साहू। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे ईश्वर बिरनपुर हिंसा में जान गंवाने वाले युवक के पिता हैं। एकदम साधारण से ईश्वर पब्लिक का असाधारण प्यार पा रहे हैं और मंत्री जी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। अपनी पुरानी सीट अहिवारा से हटकर नवागढ़ से भाग्य आजमा रहे पीएचई मंत्री रुद्रगुरु के सामने भाजपा से पूर्व मंत्री दयालदास बघेल मैदान में हैं।
अहिवारा से स्थिति खराब होने के बाद सीट बदलकर नवागढ़ पहुंचे गुरु रुद्र के लिए रास्ता आसान नहीं दिख रहा। इधर कोरबा से आने वाले दिग्गज मंत्री जयसिंह अग्रवाल के खिलाफ भाजपा के लखनलाल देवांगन मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि सीट का समीकरण बड़ा पेचदार हो चला है। सुकमा के कोंटा विधानसभा सीट से आबकारी मंत्री कवासी लखमा मैदान में है। लंबे अरसे बाद हुआ है कि पूरी कैंपेनिंग के दौरान कवासी लखमा अपने इलाके से बाहर नहीं निकल सके। दादी को भाजपा के स्वयं मुक्का से तो चुनौती मिल ही रही है, सीपीआई से अमरराज पार्टी भी बड़ी मुसीबत बनकर उभरे हैं। पुराने ट्रैक रिकॉर्ड और वोटिंग ट्रेंड भी टाइट फाइट का इशारा करते हैं। साजा में 2018 में 82.40% वोट पड़े, जबकि इस बार 77.8%। सीतापुर में मामूली गिरावट आई है, 2018 में 81.36%, जबकि इस बार 81.31% वोट पड़ा है। कोरबा में गिरावट आई है, पिछले चुनाव में यहां 71.54% वोट थे, जबकि इस बार 66.3% वोटिंग हुई। नवागढ़ में पिछली बार 73.10% वोटिंग थी, जो इस बार बढ़कर 75% तक पहुंच गई है। अनुमान कयास से इतर कांग्रेस का दावा है कि सभी कद्दावर मंत्री और नेता जीत रहे हैं। कांग्रेस के सभी कद्दावर नेता और सरकार के मंत्री अपने क्षेत्र में चुनाव जीतने जा रहे हैं। बड़ी अंतर से वो चुनाव जीतेंगे। विधानसभा क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता कांग्रेस नेताओं को उनके काम के लिए जानते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायित्व के लिए जानते हैं, और जनता के साथ जो सुख दुख में कांग्रेस नेता खड़ा होते हैं, ये उनकी पहचान है। छत्तीसगढ़ भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी कांग्रेस की वादा खिलाफी के हवाले से दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के मंत्री और दिग्गज नेता चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस के नेता बस इतना स्पष्ट कर दें कि पहले 17 घोषणाएं अपने नेताओं से करवाने के बाद घोषणा पत्र क्यों लाए? जब सारे नेताओं ने अच्छा काम किया था तो काम के आधार पर वोट मांग लेते? इतना डर रहे थे, कांप रहे थे, खौफ में थे कि चुनाव के आखिरी दिनों तक घोषणाएं करते रहे। ये स्वयं में प्रमाण है कि कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता चुनाव हार रहे हैं। बयान अपनी जगह, अनुमान अपनी जगह, बाकी पब्लिक है सब जानती है, और उसका फैसला 3 दिसंबर को सबके सामने होगा। तो इंतजार कीजिए, कहां होगी दिवाली, किसका निकलेगा दीवाला। रायपुर से आकाश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। न सूत न कपास जुलाहों में लठम लठा तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन न एग्जिट पोल न वोटों की गिनती, फिर भी हम ही बनाएंगे सरकार वाले दावे छत्तीसगढ़ में खूब गूंज रहे हैं। मतदान हो चुका है, वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। राजनीतिक पार्टियों के दावे से वो मत नहीं बदलने वाला जो जनता ने ईवीएम में डाल दिया है, लेकिन सूबे के दोनों प्रमुख पार्टियां ताबड़तोड़ सरकार बनाने के दावे कर रही हैं। ना तो सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस 75 से पार उतरने के लिए तैयार है, और ना ही विपक्षी पार्टी बीजेपी शपथ ग्रहण में न्योता देने से बाज आ रही है। यूं तो सीटें हैं छत्तीसगढ़ में केवल 90, लेकिन कांग्रेस कह रही है 75, बीजेपी कह रही है 54, तो आप इसे अंदाजा लगा लीजिए कि ये टोटल कितना हो जाएगा। अब सूबे की राजनीति में हम ही बनाएंगे सरकार के मुद्दे पर दोनों पार्टियां विधानसभा में अपना खूंटा गाड़ने के ताबड़तोड़ दावे कर रही है, जो जब तक नतीजे नहीं आते तब तक नेताजी की बयानबाजी सुनने में हर्ज क्या है। तो देख रहे हैं कि कांग्रेस में कितना अंतरकला, जो हम कहते थे अंतरकला है, पार्टी कई टुकड़ों में बढ़ चुकी है, वो देख रहे हैं कांग्रेस की समीक्षा 2 दिनों से। और मुझे लगता है कांग्रेस की समीक्षा ही छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल है, जो बता रहा है कि कांग्रेसी तो जनता ने तो ठुकरा दिया और ये आपस में भी लड़े हैं, तो इनका सर्वनाश सत्यानाश तय है और भाजपा का कमल खिलेगा। जिस तरह से हमारे प्रतिशत चर्चा हुई है, उस तरह से हम लोग जो टारगेट रखे थे कि छत्तीसगढ़ में 75+ सीट लाकर सरकार बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हम 75+ टच करेंगे। हाँ, कुछ शिकायतें भी आई है, कुछ प्रत्याशियों ने शिकायत किए, कुछ जिला अध्यक्षों ने शिकायत किए, इस तरह शिकायतें आई है, तो उन शिकायतों को भी पार्टी ने गंभीरता से लिया है और आने वाले समय में उन शिकायतों पर कुछ परीक्षण कराएंगे, जांच कराएंगे।
एक तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैच 75 बार का दावा कर दम भर रहे हैं तो दूसरी तरफ डॉक्टर रमन सिंह 52 से 54 सीटें जीतकर इस बार सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं। मतगणना 3 दिसंबर को होने वाली है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी इस बार बीजेपी की सरकार बनाने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेताओं ने छत्तीसगढ़ में भरपूर समर्थन समय दिया है और कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है। इसका नतीजा है कि बीजेपी सरकार बनने जा रही है। रमन सिंह ने कांग्रेस को लेकर कहा कि सत्ताधारी पार्टी में अभी असमंजस की स्थिति है। महिलाओं का जबरदस्त रुझान भारतीय जनता पार्टी के योजना और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ चुनाव घोषणा पत्र ही नहीं है, भूपेश की वादा खिलाफी का आक्रोश को प्रकट किया है। शराबबंदी का वादा करने के बाद महिलाओं को जिस प्रकार से छला गया, ठगा गया, तो महिलाओं ने गुस्से में आकर और आक्रोश में आकर इतना शानदार मतदान किया है, तो ये परिवर्तन का वोट है जो महिलाओं ने दिया है। उधर छत्तीसगढ़ की सियासत में टीएस सिंहदेव का एक बयान चर्चा में है। उनके बयान पर बीजेपी तंस कस रही तो कांग्रेस बीजेपी के बयान पर पलटवार कर रही है। टीएस सिंहदेव ने कह दिया था कि अगर सीएम नहीं बना तो चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बाबा के दुखी होने का समय जनता ने तय कर दिया है और कांग्रेस विपक्ष में बैठने वाली है। वहीं बीजेपी के बयान पर पीसीसी चीफ कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव का ये बयान जो है निजी है, बीजेपी को बस मौका चाहिए होता है। ने तय कर दिया है, कांग्रेस की सरकार को जड़ समेत मतदाता छत्तीसगढ़ में उखाड़ के फेंक रहे हैं, तो बाबा तो मुख्यमंत्री अब बनेंगे ही नहीं। सवाल यह है कि बाबा अच्छे नेता रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने काफी कुछ अच्छी बातें रखी है, तो हम चाहेंगे वो नेता प्रतिपक्ष बनकर रहें हमारे साथ। भाजपा की सरकार बन रही है और अच्छा विपक्ष होगा तो काम करने में आनंद आता है, पर बाबा अगली बार का तो आपने जो तय किया वही होगा। देखिए ये बयान तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं टीएस बाबा साहब का व्यक्तिगत बयान है। भाजपा घेर रही है आपको। देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो मुद्दा चाहिए। अंबिकापुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम की निगरानी सीआरपीएफ जवानों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी करते हुए नजर आ रहे। दरअसल जिला निर्वाचन अधिकारी ने 17 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग के बाद सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा सीटों की ईवीएम मशीनों को पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में रखा है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी के साथ ही सीआरपीएफ को लगाया गया है। प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी तरह से ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ ना हो पाए। इस वक्त मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में मौजूद हूं और मेरे पीछे देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम हैं। सीआरपीएफ के जवानों की यहां पर तैनाती की गई है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि भी निगरानी यहां पर कर रहे हैं। हमारे साथ भाजपा से आलोक दुबे हैं और उनसे जानेंगे किस तरह के यहां पर निगरानी कर रहे हैं आप लोग। पॉलिटेक्निक कॉलेज अंबिकापुर में सरगुजा के तीन विधानसभा के स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, सीतापुर, लुंड्रा और अंबिकापुर। इस तीनों विधानसभा के पूरे ईवीएम मशीन तीन बड़े बड़े हालों में सील किए गए हैं। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ से तीनों विधानसभा के निगरानी के लिए पार्टी के तरफ से अधिकृत प्रतिनिधि हैं। उसी के तहत आज मैंने स्ट्रांग रूम के तीनों भवनों का निरीक्षण किया। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह 24 घंटे सक्रिय पाए गए। सीआरपीएफ के पूरे जवान वहाँ 24 घंटे ड्यूटी में मुस्तैद पाए गए। निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के इस व्यवस्था से हमारी पार्टी पूरी तरह संतुष्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं और इसके साथ साथ सीआरपीएफ के जो जवान हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, सभी हैं। 3 दिसंबर को जनप्रतिनिधियों के मत की गणना होगी, लेकिन इसके बाद भी जवान और निर्वाचन अधिकारी के साथ जनप्रतिनिधि भी मुस्तैद हैं। श्रवण महंत, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। शहर के आदर्श महाविद्यालय को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर विधानसभा के वोटों की गिनती होगी। हर एक विधानसभा के लिए 14-14 टेबल लगाए जाएंगे। काउंटिंग में करीब
200 कर्मचारी लगाए जाएंगे, जिसमें महिला कर्मचारी भी शामिल रहेंगी। जिला प्रशासन की काउंटिंग को लेकर और क्या कुछ तैयारी है, इस पर हमारे संवाददाता ने जिला कलेक्टर से खास बातचीत की थी। 3 दिसंबर को होने वाले मतगणना को लेकर जगदलपुर के आदर्श महाविद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। बस्तर, चित्रकूट, जगदलपुर, इन 3 विधानसभाओं की मतगणना होनी है। हमारे साथ मौजूद है बस्तर कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी, इनसे बात करते हैं कि तैयारी को लेकर क्या तैयारी की जा रही है। सर, 3 दिसंबर को जो काउंटिंग जो होनी है, उस हेतु जो आदर्श महाविद्यालय में हमारा काउंटिंग सेंटर स्थापित की जा रही है, और 3 विधानसभा क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए और जो लोग जो आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अलग अलग एंट्री पॉइंट्स हम लोगों ने तैनात किया है। और उसी तरीके से जो काउंटिंग के अंदर में जो एजेंट्स के रूप में काउंटिंग सेंटर्स में जो बैठेंगे, उनके लिए भी संबंधित आरओ के माध्यम के द्वारा कैंडिडेट्स को जानकारी ऑलरेडी भेजी जा चुकी है। अपने तरफ से प्रत्येक कैंडिडेट को, प्रत्येक टेबल के लिए अपना एक एजेंट को नियुक्त करने का अधिकार है। उसके लिए हम लोगों ने सूची मांगा है। जैसे ही सूची हमारे पास आएगी, उनको भी हम लोग एक सूची दे देंगे, ताकि पुलिस वाले भी उनको एंट्री में हम लोगों को सहयोग कर सकें। सर, प्रत्येक विधानसभा में कितने टेबल में मतगणना की जाएगी? प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल लगाने का प्रावधान है, उसका तो हम लोग रखेंगे ही। साथ ही साथ में जो बैलेट पेपर्स, जो बैलेट वोटिंग जो हुई है पोस्टल बैलेट्स में और बैलेट पेपर्स में, उसको ध्यान में रखते हुए, संख्या को ध्यान में रखते हुए टेबल्स हम लोग अरेंज करेंगे। सर, कितने कर्मचारी की ड्यूटी रहेगी सर इसमें? लगभग प्रत्येक विधानसभा के लिए 50 से 60 लोगों का ड्यूटी जो काउंटिंग सेंटर्स में लगेंगे। उसके अलावा जो सामान ऊपर से जो स्ट्रांग रूम से लेके नीचे काउंटिंग सेंटर लाने के लिए अलग व्यवस्था रहती है, जो नॉर्मली भर्ती स्तर के जो लोग होते हैं उनको भी मिलाते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 100 से 125 तक हो सकते हैं। सर, महिलाओं की भी ड्यूटी लगाई गई है, क्या कुछ खास? मैं आपके माध्यम के द्वारा हमारे जिले के महिला कर्मी जो मतदान की पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए थे, उनको बधाई देना चाहूँगा। उनका एक जो काम जो है बहुत ही अच्छा रहा है, सराहनीय रहा है। अभी काउंटिंग के समय में हम लोग इसका प्लान करते हैं, ताकि ट्रेनिंग के समय में उनको भी शामिल करते हुए उसको भी हम लोग टेबल्स चिन्हांकित कर सकें। अब 3 दिसंबर इंतजार है जब मतगणना होगी, और उसके बाद ही जो पता चल पाएगा कि जो बस्तर संभाग में, जो बस्तर जिले के 3 विधानसभाओं में जो प्रत्याशी है, किसकी जीत होती है और किसकी हार। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर। आपको बता दें, यहाँ पर स्ट्रांग रूम की पहरेदारी के लिए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के चाचा खुद तैनात हैं, स्ट्रांग रूम पर 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों से गड़बड़ी के डर को बताया, और यही वजह है कि वे खुद स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं, ये भी कहते नजर आए। 7 नवंबर को हुए मतदान के बाद अब मतगणना की पारी है। बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर विधानसभा का जो मतगणना है वो जगदलपुर के आदर्श महाविद्यालय में होना है, लेकिन जो मतगणना स्थल पर जो निगरानी की जा रही है वो राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात है कि निगरानी में कांग्रेस के जो प्रत्याशी है दीपक बैज, उनके पीसीसी अध्यक्ष, उनके चाचा जी खुद निगरानी कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि निगरानी वो किस प्रकार कर रहे हैं। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम ऋषि कुमार बैज है। आप क्या हैं? मैं दीपक बैज का चाचा हूं और जिला कांग्रेस कमेटी का ग्रामीण सदस्य हूं। कैसे निगरानी कर रहे हैं? हम लोग यहां बैठ के जो नगेट तक कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वही देखते हैं कितने समय घुसा और कितने समय निकल रहा है। तो कितने लोग हैं आप लोग? आप अकेले दिख रहे हो? नहीं, हम लोग 3 लोग हैं जी। कैसे ड्यूटी करते हैं? मतलब बारी बारी करते हैं। कभी रात को जैसे सोने का हुआ तो एक दो घंटा जो है ना, एक दिन जगता है, बाकी जगते हैं फिर कुछ नहीं। आप पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के चाचा जी हैं, तो जिम्मेदारी आपको ही क्यों मिला? अब क्या बताऊँ कैसे मिला। फिर भी आप घर के सदस्य? इसलिए घर के सदस्य तो वो हैं ही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी समर्थित कार्यकर्ता भी। किसी प्रकार का अनहोनी का डर है क्या? किसी प्रकार का कुछ ऐसा लगता है क्या? एक संभावना लगती है कभी कुछ हो जाए, कोई आके इधर उधर कर ना दे, यही सोचते हैं। किससे डर है? राजनीतिक पार्टियों से। कब तक बैठेंगे आप लोग? हम लोग मतगणना तक बैठेंगे। और 24 घंटे ड्यूटी रहती है जी? 24 घंटे। मतलब क्या, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं? अब हम लोग तो रात भर देखते हैं, एक ना एक जन स्थित रहते ही हैं, जैसे यहाँ के जवान लोग भी रहते हैं उसी टाइप का हम लोग कभी सुनियों रूप से करते हैं। तो निगरानी पूरी की जा रही है जी। तो देख सकते हैं ये दीपक बैज के जो पीसीसी अध्यक्ष है उनके चाचा है, और ये खुद स्ट्रांग रूम के बाहर जो एक स्टॉल लगाया गया है
तो वहाँ पर मौजूद है और 24 घंटा ड्यूटी करके तैनाती कर रहे हैं। साथ ही ये भी निगरानी कर रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दल द्वारा कुछ खलल ना पैदा कर सके। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें और भी हैं वक्त एक